क्वेश्चन नंबर चौथा है फलन वन का इतनी माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इस करके एक्स के फॉर्मेट क्या करता है समानांतर यहां से निकला सबसे पहले जो क्या है इसे कहते हैं हम सबसे पहले मानते माना आई बराबर समाकलन डी एक्स बटी में क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसमें क्या करें सबसे पहले जमाया जाता है कैसे बाहर सबसे पहले किसका है उसका एक्स एक्स के बाद कितना है दो उसके बाद तीन उसके बाद जीरो है ना अब सबसे पहले देखते हैं प्लस को पहले सबसे पहले माइनस में करते हैं तो एक्स स्क्वायर को उसको प्लस में करते हैं ना तो माइनस क्या करेंगे माइनस को बाहर निकाल क्या करेंगे बाहर निकाल तो माइनस बाहर निकाल दिया ना ये डी एक्स जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस ये एक्स स्क्वायर ये प्लस टू एक्स ये प्लस में ये क्या हो जाएगा आया समझ में इसके बाद देखना क्या होगा आई बराबर हो जाएगा सेम एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है क्या नहीं है क्या करते हैं हम लोग एक बार बताया था ना अभी इसका क्या करते हैं टू वन बाई टू यू एन टू वन बाई टू अपने आप लाना है उसके बाद क्या लिखना है टू एस अब ध्यान से देखना यहाँ क्या है एक ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा कटेगा भी ये और ये कट जाएगा इसको और इसको कुछ नहीं करना ठीक है अगर ऊपर ये बीच वाला अगर कट रहा है तो कटाना है नहीं कट रहा है तो किसका बात आता है बी का अब बताओ ये दो और दो कट के क्या बचा ए तो ए क्या किसका मान होगा बी का इसका मान होगा बी का क्या करेंगे एक बार प्लस एक का होल स्क्वायर और एक बार माइनस एक का होल स्क्वायर आ गया अब इसके बाद देखना माइनस ए आया समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक x प्लस एक का क्या है होल स्क्वायर है ना क्योंकि x प्लस एक का होल स्क्वायर क्या होगा x का वर्ग प्लस एक का वर्ग प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन देखिए x का वर्ग प्लस वन का वर्ग प्लस टू अब ये और ये तो कट गया क्या बचा a तो टू इंटू एक्स इंटू वन आया तो समझ में अब इसके बाद देखना ध्यान से क्या हो जाएगा इसके अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं आई बराबर हो जाएगा समाकलन डी एक्स बटी में एक्स प्लस वन तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा वन एक का वर्ग क्या होगा ए ए माइनस डी आया तो समझ में यहाँ से आई बराबर हो जाएगा समाकलन डी एक्स बटी में यहाँ से एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस की माइनस समान चिन्ह चार जुड़ता है तीन और एक चार ऐसे हो जाएगा यहाँ से आई बराबर आ जाएगा समाकलन डी एक्स बटे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस दो का होल स्क्वायर है तो समझ में इसके बाद एक फॉर्मूला है ध्यान से आई बराबर फॉर्मूला होता है समाकलन डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है वन बाई टू ए लॉग एक्स प्लस ए बटे में एक्स माइनस ए ये होता है अब यहाँ से ध्यान रखिए देखा ध्यान से यहाँ से आई बराबर हो जाएगा माइनस वन बाई टू टू ए है ए का मान क्या होगा तो यहाँ से तो लॉग एक्स एक्स का मान क्या होगा एक्स प्लस वन और प्लस में क्या करेंगे प्लस ए का मान क्या है दो नीचे में क्या है एक्स की जगह में एक्स प्लस वन बीच में माइनस ए की जगह में दो ए की जगह में दो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा माइनस एक बटा चार लॉग कितना हो जाएगा एक्स प्लस थ्री यहाँ से एक्स माइनस क्या हो गया इसका